ओके सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई टू चैनल टेक्निकल सेलेन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे तत्काल टिकट को लेकर। आखिर में तत्काल टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसी को लेकर रेलवे ने यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट लेकर आने वाले हैं। तो आखिर में ये क्या अपडेट है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा यहाँ पे तत्काल टिकट इस टाइम मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब भी हम IRCTC के वेबसाइट से या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो हमारा IRCTC पेज लॉग आउट हो जाता है और हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। और फिर से हम लोग लॉग इन करने के बाद जैसे ही हम उसी रूट पर टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर टिकट खत्म हो गया होता है या फिर वेटिंग लिस्ट में आ गया होता है। क्योंकि ये सब जो हो रहा है इलीगल सॉफ्टवेयर के लेकर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसकी वजह से हम लोगों को यानी कि आम पब्लिक को तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर रेलवे ने यहाँ पे बहुत बड़ी अहम फैसला लेने जा रही है। दरअसल जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो सबसे पहले तो IRCTC की वेबसाइट से ही बुक करेंगे या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, तो आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड और इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर या फिर पासवर्ड नंबर मांगा जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे। इसके बाद OTP फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पे तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे काफ़ी हद तक जो भी दलाल जो है इनलीगल सॉफ्टवेयर से तत्काल टिकट बुक करते हैं वो लोग बुक नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फेक अकाउंट बना लेते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तत्काल टिकट एक साथ वो लोग बुक कर लेते हैं। तो इसे रोकने के लिए यहाँ पे रेलवे जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना होगा, तभी आप इसके बाद तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। और इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे भी एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को जिस ID से आप लोग तत्काल टिकट बुक करेंगे उससे वो आधार कार्ड लिंक हो जाएंगे और ट्रेन में आप सफ़र करेंगे तो वो ID आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।